हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे नेटको फार्मा लिमिटेड। ओके, और अगर आपको इसका टारगेट जानना है तो वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा। तो देखिए, एनएससी पे आज के डेट पे ए शेयर आपका 873 पे ओपन हुआ है। हाई गया था 919.50 एंड लो गया था 842.25 एंड क्लोज हुआ एनएससी पे 849.20। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। फिनस्टार ने इस कंपनी को 3 out of 5 का रेटिंग दिया है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटल है ₹15,499.61 करोड़। एंटरप्राइज वैल्यू है ₹15,493.21 करोड़ एंड पीई रेशियो है 60.17। इस कंपनी के ऊपर अभी आपका डेट है ₹256.40 करोड़ का, तो इसका जो डेट इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.06। अगर किसी भी कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 1 और 1 से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे 1 से कम ही है। एंड कंपनी के पास देखिए अभी आपका कैश है ₹262.80 करोड़। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कंपनी के पास इतना सफिशियंट कैश है कि कंपनी कभी भी चाहे ये जो आपका 256.40 करोड़ का डेट है इसको चुका सकता है। इस कंपनी का ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर है अभी ₹14.11, रिटर्न ऑन इक्विटी है 7.82% एंड आरओसीई है 9.46%। ओके, इस कंपनी में लास्ट ईयर में आपका प्रॉफिट ग्रोथ माइनस पे था। कितना माइनस पे था, -34.77% एंड सेल्स ग्रोथ भी माइनस पे था। कितना माइनस पे था, -7.64%। ये जो कंपनी है नेटको फार्मा, इस कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 48.86%, पब्लिक का है 20.8%, डीआईआई का है 18.11% एंड एफआईआई का है 12.23%। अगर किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ऊपर होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे 40% से ऊपर ही है। और एक चीज देखिए, ये जो आपका 48.86% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है, तो फंडामेंटली ये भी एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का 1 डे का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो ये शेयर देखिए कुछ दिनों से गिर रहा था, लेकिन ये आपका था 28 फरवरी का डे, यहाँ पे हम लोगों को एक जबरदस्त पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा एंड इस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिला था। लेकिन देखिए अभी ये शेयर जो सुपर टेन का जो सपोर्ट लेवल है इसको तोड़ के नीचे सस्टेन कर नहीं पाया, और अभी यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, जो कि एक अच्छा बात है। अगर आरएसआई की बात करेंगे तो देखिए आरएसआई आपका जो 40 का लेवल है उसके नीचे आ गया था, लेकिन फिर से आपका 40 का लेवल को तोड़ चुका है, जो कि एक अच्छा बात है। और एमएसडी आपका 0 पॉइंट को तोड़ के ऊपर चला गया, ये भी एक अच्छा बात है। मतलब ओवरऑल हर एक इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का एक बार वीकली चार्ट पे। तो अभी देखिए, मैंने स्क्रीन पे इस शेयर का वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया, और यहाँ पे देखिए मैंने एक ब्लू कलर का एक लाइन आपका ड्रॉ किया है, मतलब स्काई टाइप का एक लाइन ड्रॉ किया। देखिए ये इस शेयर का आपका वीकली चार्ट के हिसाब से सपोर्ट जोन है। कैसा सपोर्ट जोन है, देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए लास्ट टाइम शेयर आपका ऊपर की तरफ गया था, फिर से जब भी गिरा यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए फिर से आपका ऊपर की तरफ गया, फिर से अभी गिरा, देखिए इस जगह पे सपोर्ट लेते हुए शेयर आपका ऊपर की तरफ गया, फिर से अभी जो गिरा यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे सस्टेन कर नहीं पाया। एंड लास्ट वीक में देखिए यहाँ पे फिर से हम लोगों को एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा, मतलब शेयर अभी इस शेयर का जो प्राइस है अभी आपका जो सपोर्ट जोन है इसके ऊपर ही है, तो ये एक आपका टेक्निकली पॉजिटिव बात है। अगर आरएसआई की बात करेंगे तो देखिए आरएसआई 40 का लेवल तक चला आया था, लेकिन फिर से अपटेन हो चुका है, जो कि एक अच्छा बात है। और एमएसडी अभी भी 0 पॉइंट से ऊपर है। मतलब ओवरऑल अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भी क्लियरली हम लोगों को सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लेते हुए शेयर आपका ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, जो कि एक अच्छा बात है। तो चीजों को और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का एक बार मंथली चार्ट पे। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का मंथली चार्ट भी ओपन कर लिया, और यहाँ पे भी देखिए मैंने एक आपका स्काई टाइप का एक लाइन ड्रॉ किया, जो कि अभी इस शेयर का सपोर्ट जोन है, जो पहले आपका रेसिस्टेंस जोन था। देखिए लास्ट टाइम देखिए जब भी ये लाइन को तोड़ा ये शेयर आपका नीचे की तरफ आ गया था, लेकिन देखिए जब भी इस शेयर ने इस लाइन को तोड़ा इस जगह पे,
सपोर्ट लेते हुए एसीआर आपको ऊपर की तरफ भागा था, लेकिन फिर से देखिए इस लाइन पे जब भी आया एसीआर अभी सपोर्ट ले लिया है, जो कि एक अच्छा बात है। अगर आरएसआई की बात करूंगा तो आरएसआई एक न्यूटन जोन पे है और एमएसडी लेकिन 0 पॉइंट से ऊपर है। तो ओवरऑल अगर बात करेंगे तो एसीआर मुझे बहुत ही बुलिश लग रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस है लगभग 849-850, अगर इसी रेंज पे इस शेयर को खरीदा जाए, और अगर आप लोगों का नजरिया मिनिमम 2 महीने का भी है तो मुझे जो लगता है कि 2 महीने के अंदर ये शेयर आपका 960 का जो टारगेट है वो भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं और ना ही यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।